आज तुमने फिर नानी से बदतमीजी की। डैड, नानी की बातें अजीब हैं। लगता है अभी भी 1960 में रह रही है वो। उनकी बातें सुन के मुझे डिप्रेशन होने लगता है, इतनी इमोशनल बातें करती है मेरे साथ। बेटा, उनकी बातों को दरगुजर किया करो, बुजुर्ग है हमारी। इंसान बुढ़ापे में बिल्कुल बच्चा हो जाता है, कमजोर महसूस करता है, बिल्कुल बच्चे की तरह चाहता है कि कोई उसको संभाल ले, वक्त और प्यार मांगता है। बच्चे पालना आया का काम है, मेरा नहीं डैड। आप बस नानी से कहें अपने कॉम्प्लेक्सेस से मुझे दूर रखा करें प्लीज। बहुत स्पेशल हो तुम। बाप सर से हाथ उठा ले, तन पे कपड़े भी ना हो, हीरो बनता है। आ जाए। कहाँ गायब हो, नजर ही नहीं आ रहा पूरे घर में। यार डिग्री खत्म होने वाली है, सोचा कोई काम ही शुरू कर लूं। बढ़िया, सासी जिम्मेदारी जाग रही। हमें भी तो पता चले कि तुम क्या काम कर रहे हो। एक ऑनलाइन जॉब है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स लिख रहा हूँ। 3 दिन में 5,000 रुपये कमा लिए मैंने। 5,000 रुपये? मजाक कर रहे हो ना? अरे नहीं, सच में जॉब कर रहा हूं। कब तक डैड के पैसे उड़ाता रहूंगा? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? 5,000 रुपये वाली नौकरी करोगे अब तुम? तुम्हें खानदान का जरा ख्याल नहीं है, लोग मजाक बनाएंगे तुम्हारा। क्यों बनाएंगे मेरा मजाक? कौन सा मैं डकैती कर रहा हूं या भीख मांग रहा हूं, काम ही तो कर रहा हूं। तुम्हें मैं नौकरी कभी नहीं करने दूंगी। अभी जाके डैड को बताती हूँ। यार खुदा का वास्ता है, मुझे डिक्टेट करना छोड़ दो अब। बड़ा हो गया हूं मैं, तुम लोग को मेरे डिसीजंस का एहतराम करना चाहिए। बड़े हो गए हो, ये होती है ना बड़ों वाली हरकतें। अगर मैं काम करना चाहता हूँ, इसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमें तुम्हारे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुम ये 5,000 रुपये वाला काम करो, इस बात से प्रॉब्लम है। तुम्हें काम करना है जरूर करो, अपने ऑफिस जाओ, वहां काम करो। मेरा हाल तुम्हें पता है, मैं डैड के ऑफिस में कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा। कोई मुझे मेरी गलतियां नहीं बताएगा, और अगर मैं कुछ अचीव कर भी लूं तो सब यही बोलेंगे कि बाप का राजा तो होना ही था। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। अभी डैड से जाके बात करती हूँ, ठीक करेंगे तुम्हें। और ये बात याद रखना, ये काम मैं तुम्हें कभी नहीं करने दूंगी। थैंक यू बेटा। डैड, हसन ने आपसे अपनी जॉब का कोई जिक्र किया था? क्या नौकरी कर रहे? कहाँ? फजूल से ऑनलाइन जॉब कर रहा है, 1,000-2,000 रुपये कमाता है। तुम्हें किसने बताया? हसन ने खुद। मजाक कर रहा होगा, तुम उसकी आदत का पता है।
मुझे भी पहले लगा था कि मजाक कर रहा है, मगर मजाक नहीं है, सच है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तो तुमने बता दिया, इसका मतलब ये सच कह रही हो? कहाँ कर रहे हो तुम नौकरी? कुछ नहीं डैड, ऑनलाइन, वैसे फ्री टाइम में कुछ कर लेता हूँ। आज यूनिवर्सिटी के बाद सीधा ऑफिस आना, मैं तुम्हें बताऊंगा फ्री टाइम में क्या करना है। डैड मैं अभी अपने ऑफिस में नहीं काम करना चाहता। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे बेटा ऐसे कैसे, अभी तो टाइम है, आराम से नाश्ता करके जाओ। मामा बस से जाऊंगा ना, इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा। क्या, इधर आओ, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? इधर ही है, लेकिन कुछ दिन यूज नहीं करूंगा, असल जिंदगी देखना चाहता हूँ। असल जिंदगी बहुत बदसूरत है, ना देखो तो अच्छा है, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। डैड देखूंगा तो ही बर्दाश्त करना सीखूंगा ना। खुदाफिज़। ये क्या बातें कर रहा है, और आप इसे रोक क्यों नहीं रहे? आज दोपहर में ऑफिस आएगा, समझा दूंगा, फिक्र ना करो। कल जब तुमने कॉल की तो मैं पढ़ रही थी, जारा बताई थी तुम बहुत परेशान हो, क्यों? यार परेशान तो हूँ, अम्मी को बोला था मुझे शादी नहीं करनी है, और खाला जो है रिश्ता लेकर आ गई है। अब सुबह शाम दिमाग खराब कर रहे हैं, शादी कर लो शादी कर लो। एक आखिरी चीज थी डिग्री, जिसकी वजह से घर से बाहर निकल सकती थी, अब वो भी खत्म। मेरे ख्याल से यार अब शादी ही आखिरी चांस है। तो बेटा शादी तो करनी ही पड़ेगी हम सबको, जैसे क़यामत आनी है ना वैसे हम सबकी शादियां भी होनी है, आज हो या कल कर लो। हाँ जी, तो क्या कह रही थी आप? बाप पैसे ना दे तन पर कपड़े ना हो, अपने पैसों के कपड़े जूते चार दिन में खुद के खर्चे उठा रहा हूं मैं। ये पर्स बहुत महंगा लग रहा है, आपने अपने पैसों से खरीदा है? बाबा के पैसों से। देखिए ना तो मुझे पहले आपकी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट था, ना आपके इस चेंज में कोई इंटरेस्ट है। उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा वो आप ही के एक्शन का रिएक्शन था और कुछ नहीं। लेकिन रिएक्शन में जो भी जवाब दिया उससे मैंने गलत साबित कर दिया, वो सब तो झूठ हो गया। अगर ऐसे आपको सुकून मिलता है तो ठीक है, मैंने गुस्से में झूठ बोल दिया था। अब बात खत्म करें। ऐसे कैसे खत्म, झूठ बोला है सजा भी मिलनी चाहिए। सॉरी, अब बात खत्म। गुड। खत्म। बनाया क्या हशर कर दिया बेचारे का, इतना असर इसने अपने बाप की बातों का नहीं लिया होगा जितना तुम्हारी बातों का लिया है। बदल दिया है तुमने बेचारे को वैसे, है ना? प्लीज, बिल्कुल बेचारा नहीं है, और ऐसे लोग कभी नहीं बदलते, इनकी सिर्फ अना की जंग के मैदान बदलते हैं। ईगो हर्ट हो गई है बेचारे की, इसलिए इतना तड़प रहा है, असर नहीं है किसी बात का। तुम मुझे बताओ वो क्या खाला पप्पो के सारा मूड खराब है। थोड़ी सी वॉक और कर लें अम्मा। अरे बैठ जाओ बस, अब चाय पीते हैं, ठंडी हो जाएगी, कब से ला के रखी हुई है। अच्छा आइए आइए। निराल, क्या तलाश कर रही हो तुम हसन के लैपटॉप में?
बेटा बुरी बात है, किसी की पर्सनल चीज़ों में नहीं देखते। पासवर्ड लगा है, देख रही थी कि कहाँ नौकरी कर रहा है ये। तुम्हारे डैड ने कहा है ना कि उससे बात करेंगे, तुम क्यों टेंशन लेती हो? नहीं, क्या हो गया है हसन को? पहले तो ऐसा नहीं था, वो दिल चाह रहा है कि लैपटॉप ही तोड़, ये लैपटॉप ही तोड़ देते। अरे कैसी बातें कर रही हो मीराल, इस तरह तो वो और बागी हो जाएगा बेटा। इंसानी फितरत का नहीं पता तुम्हें, जब जिद के आगे कोई रुकावट खड़ी करो ना तो जिद और मजबूत हो जाती है। हम उससे नाराज थी ना, नाराज ही रहे। क्यों नाराज थी नानी तुमसे, फिर लड़ाई की है? मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी नानी को, खुद नाराज हो गई। बात बात पे मुझसे नाराज हो जाती है, फिर खुद मान जाती है, पता नहीं क्या चाहती है नानी मुझसे। अरे बेटा जब हमारी उम्र को पहुंचोगी ना तब तुमको समझ आएगी औलाद की औलाद कितनी प्यारी होती है। अरे चाहते हुए भी तुमसे नाराज नहीं रह सकती मैं। नानी प्लीज, इस वक्त आपकी इमोशनल तकरीर सुनने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। मुंह बंद करो, ये सब तुम्हारे डैड की ढील का नतीजा है, छोटे बड़ों की तमीज ही नहीं रही। आप नानी को तो कुछ नहीं कहती, बड़ों को भी देखना चाहिए ना कि बच्चे किस चीज से गुजर रहे हैं, पर नानी को हमेशा अपनी फीलिंग्स ही पड़ी रहती है बस। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। जा रही हूँ। अम्मा आप इसे माफ कर दीजिएगा, मुझे मालूम है आपको बहुत दिल दुखाती है, प्लीज माफ कर दीजिएगा इसे। मैं तो माफ कर दूंगी बेटा, लेकिन दुनिया माफ नहीं करेगी। मैं तो इसकी तरफ से इतनी परेशान रहती हूँ, सारी दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहती है, ऐसा नहीं होता बेटा। फिर मुझे बताएं मैं क्या करूँ? दुआई कर सकते हैं बेटा। अरे अरे मीराल, मीराल अरे क्या कर रही हो? अरे ये क्या कर दिया? अरे अल्लाह मीराल, गर्ल्स सुनो, मैंने भी टाइम टेबल चेक किया है, कस्टमर वाली 9:30 की क्लास कैंसिल हो गई है, हम लोग सेमिनार कर सकते हैं। आई थिंक इट्स द परफेक्ट टाइम। यस परफेक्ट। यार मैं कहूंगी एक बार फिर सोच लो, ऐसा ना कोई आए ना और हमारा ना बहुत मजाक बन जाएगा। ओहो हमने इतनी मेहनत की है, क्यों बनेगा मजाक? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल मजाक नहीं बनेगा, बहुत अच्छा सेमिनार होगा इंशाल्लाह। मजाक तो बनेगा पर हमारा नहीं, किसी और का। किसका? क्यों भाई? अफशीन को जो पता चल गया है कि तुमने हसन के साथ क्या किया। अफशीन को कैसे पता चला? मैं बताती हूँ फातिमा, मेरी बात सुनो। गुस्सा नहीं करना, अफशीन और अनम वहाँ बैठे सब देख रहे थे, मेरे पास अफशीन आई, उसने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया। अब इसमें क्या है, कुछ छुपाने वाला तो नहीं था ना? यार तुमने अफशी को बता दिया? तुम्हें पता नहीं है वो एक नंबर की सैटेलाइट है, अब जब तक वो पूरी यूनिवर्सिटी को नहीं बता देगी उसको नींद नहीं आएगी। अफशी को बताने का मतलब है पूरी यूनिवर्सिटी को बताना यार, हाउ कुड यू? आतिफ अरे रुको, रुक तो जाया करो, मैं बुला रही हूँ ना, बात तो सुनो। तुम्हें पता क्या हुआ है? क्या हुआ? तुम तो उसके दोस्त हो, तुम्हें भी नहीं पता क्या हुआ है? ओए या तो सही तरह बात बता या फिर चली जाए यहाँ से। एक मिनट, तुम्हें सच्ची में नहीं पता मैं क्या बताने आई हूँ? नहीं। अच्छा हसन फरीद ने अनाया से की बेइज्जती को दिल पे ले लिए? बड़ा बेइज्जत किया अनाया ने उसे। क्या 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 क्या? हाँ बड़ा हीरो बन के गया था अनाया के पास, कहने लगा अपने सारे खर्चे मैं खुद उठाने लग गया हूँ। अनाया ने कहा तुम्हें क्या करूँ, जब अब जाओ माफ करो। बस फिर तो बेचारे की शक्ल देखने वाली थी, फातिमा बता रही थी शर्मिंदा होकर भागा है वहाँ से। अच्छा? हाँ मैं तो वही सोचू बेचारे की क्या हालत हो रही होगी। खैर तुमने बात किसी को बतानी नहीं? नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ऐसा किसी की बातों में नहीं बोलना चाहिए। हाँ ठीक कह रही हो, मर्जी करे हमें क्या लेना देना। हानिया हानिया मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। हेलो मिराल बोल रही हूँ। अरे मिराल आप ही, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। हसन आस पास है तुम्हारे? हसन नहीं, हसन मेरे पास तो नहीं है। आप बताएं क्या हुआ, खैरियत? बताती हूँ मगर पहले तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हसन को नहीं बताओगे। जी नहीं बताऊँगा, आप हाथ तो बताएं कि क्या बात है। यूनिवर्सिटी से फ्री होके घर आ जाना,
डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं घर आया तो हसन को क्या कहूँगा? वो घर पर नहीं होगा, उसे डैड ने ऑफिस बुलाया है। जी ठीक है, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, फिर मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। आज यहाँ पे पॉम्फ्लेट बट रहे हैं, वहाँ पे पता क्या हो रहा है? क्या? अफशीन ने तुम्हारे और हसन की ना फाइट की फिल्म चला दी है और अब सब मुझसे पूछ रहे हैं। जी हंसने की क्या बात है? ये सुनो, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। बिल्कुल यार, इसमें ऐसा बुरा भी क्या हो गया? हमने कौन सा कुछ गलत बोला है, कुछ झूठ बोल दिया है? बेटा तुम ना अपनी गलती मानो, जरूरत क्या थी ढिंडोरा पीटने की? हसन का तो तुम लोगों को पता है, अब बेवजह तमाशा बनेगा। लो बच्ची डर गई। डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से, लेकिन जब इंसान ने जिंदगी में कोई बड़ा मकसद हासिल करना हो तो इस तरह की छोटी छोटी लड़ाइयों पर वक्त जाया नहीं किया जा सकता। ना तो मेरा टाइम और ना ही मेरी एनर्जी इन फालतू चीजों के लिए है। अच्छा वैसे बात सुनो, सॉरी गलती हो गई है, मतलब कुछ जान के तो नहीं किया था, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ना? इट्स ओके। अच्छा सुनो, तुम लोग ना जाओ, यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट के हर नोटिस बोर्ड पे ये होना चाहिए। ज्यादा लोग आए, मैं जाके टीचर्स को इनवाइट करके आती हूं। अच्छा, खुद सारे काम मैडम वाले और हमसे नौकरों वाले। मैडम मैं टीचर्स के पास आपको भेज देती, लेकिन आप माशाल्लाह इतनी लायक फायक हैं कि इनके बुलाने से टीचर्स तो आएंगे नहीं। अब मैं जाऊं? ओके सी यू, बाय। अभी बताए मजहब, जरा साइड पे तशरीफ लाएंगे थोड़ी देर के लिए? क्या चल तो सही, बताता हूँ। बैठो यार, बात करो इनसे। अबे चल तो सही, उठ। मैं आता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? अनाया अजीज से मिला है ना तू? हाँ गया था, सॉरी बोल रही थी। तुझे किसने बताया? भाई एक ही तो रेडियो स्टेशन है अपना, अफशीन नाम का, 24/7 न्यूज, उसने बताया मुझे। और वो तो मुझे कह रही थी कि काफी बेइज्जती हुई तेरी। झूठ बोलती है, बकवास करती है, तुझे तो पता है कहानियां बनाने की आदी है वो। हाँ वैसे ही तू ठीक कह रहा है, वो मोटी ना एक नंबर की झूठी है। वैसे सच में बता, अनाया ने तुझसे वाकई में माफी मांगी है? तुझे मेरी बात पर यकीन है या उस झूठी की? एक नहीं दो दो बार माफी मांगी उसने मुझसे। क्या बात है मेरे शेर, तूने उसे कहा नहीं कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या? ओए हाँ, अनाया ना कल एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवा रही, मिल के मजाक उड़ाएंगे उसका। हम क्या करेंगे, उसकी प्लानिंग तू कब से करने लगा? अरे नहीं यार, मैं तुझे सुझे आइडिया दे। चल अच्छा है कि उसने तुझसे माफी मांगी, कम से कम तेरी जिद तो टूटी। अच्छा यार हसन, जरा घर कॉल कर यार और गाड़ी मंगवा, ये रोज रोज मुझसे बस के धक्के नहीं खाए जाते। गाड़ी की जरूरत नहीं है, कुछ दिन और ऐसे ही गुजार, एंजॉय कर रहा हूँ। खाक एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ होने के बाद बसों में धक्के खा रहे हैं, भूखे काट रहे हैं, विंडो शॉपिंग करके आंखें गरीब सी हो गई हैं, और तू कह रहा है कि तू एंजॉय कर रहा है? यार असल चेंज इज ऑलवेज गुड, हर वक्त सब परफेक्ट है कि एक्टिंग करना ना मुश्किल होता है। पोस्चर, पैसे, गाड़ी, एटीट्यूड, ऐसे देखो ऐसे बैठो, उससे मिलो उससे ना मिलो, जान छुटी यार। ऐसा लग रहा है जैसे आजाद हो गया हूँ मैं। लगता है मेरा भाई आज ना बॉलीवुड की घटिया सी फिल्म देखकर आया। नहीं है, अनाया पहली नहीं है जिसने बाप की दौलत का ताना दिया। बचपन से कुछ भी अचीव कर लूं सब यही कहता है, बाप के पैसे, बाप के कनेक्शंस, आप सबको अपने बल पर कुछ करके दिखाऊंगा। मेरे भाई ये कोई फिल्म चल रही, रियल लाइफ है, वो संभाल के क्या सोच रहे हैं तू? टाइम क्या हो रहा है? देखा हाँ, फिर लेट हो गया मैं, डैड ने ऑफिस बुलाया था, चलेगा? नहीं भाई तुम ही जाओ, मुझे कोई शौक नहीं बसों में धक्के खा, मैं ले लूंगा किसी से लिफ्ट। तेरी शक्ल पर यही लिखा है
लिफ्ट करवा दो, चलता हूं। ठीक। पिछले 9 साल से ये टेंडर हमारे पास है, सबसे रेट्स भी हमारे कम थे, फिर ये पाशा के पास कैसे चला गया? यकीनन कोई हमारे ऑफिस से इंफॉर्मेशन लीक आउट कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, हमने जो रेट्स कोट किए थे उनको आज तक कॉन्फिडेंशियल रखा गया है सर, और इंफॉर्मेशन लीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल पैदा हो गया यासर, मैं सिर्फ सबूत का इंतजार कर रहा हूं। हम तीनों के अलावा ये रेट लिस्ट किसी और के पास नहीं थी, बगावत तुम दोनों में से किसी एक ने की है। सर मैं नमक हरामी का सोच भी नहीं सकता, आप मुझे इतने सालों से जानते हैं। सर जी पक्की खबर है, आपकी रेट लिस्ट पाशा के दफ्तर गई है। पाशा ने पुरानी रेट लिस्ट वापस ले ली थी और फिर सबसे आखिर में जमा करवाई। हमारे दफ्तर से खबर नहीं निकली, ये मेरी गारंटी है। आपका कोई बंदा पाशा के लिए काम कर रहा है। जमान ना परेशान हो यार, जो ये सारा निजाम चला रहा है ना वो तेरे लिए भी कुछ बेहतर करेगा। कैसे परेशान ना हो, कैसे यार, मेरी जमीन चली गई है यार। देख दुनिया में जितनी आसाइश होगी ना आखिरत में उतनी ही पकड़, और दुनिया में जितनी मुश्किल होगी ना आखिरत में उतनी ही आसानी। और दुनिया कौन सी हमेशा रहनी है मेरे यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम सही हो? अल्लाह का शुक्र। तुम्हारे लिए लाई अमेरिका से। ये तकलीफ क्यों की आपने? बाद में देख लेना, अभी बात कर लेते हैं। जी जी, मैं तो बस वैसे। खैर आप बताएं कि क्या बात करनी थी आपने? हसन को क्या हुआ है? हसन को क्या हुआ? हसन को तुम मुझे अपनी बहन नहीं समझते ना, अगर मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ। तुम्हारे लिए वो सारे गिफ्ट्स लेकर आई जो मैंने हसन के लिए खरीदे हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपको अपनी बहन समझता हूँ। तो फिर बताओ हसन इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है? हुआ क्या है, क्या चल रहा है? अब क्या बताऊँ मैं आपको? सब कुछ। दरअसल हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की है, कुछ दिन पहले उसकी हसन से काफी मुंह मारी हुई। तुम क्या समझे थे मेरी आंखों में धूल झोंक लोगे? नमक हराम, अब पुलिस स्टेशन में तुमसे मुलाकात होगी। जब पुलिस छित्रौल करेगी ना, बुलाना अपने पाशा को। दफा हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है डैड? आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अरे दफ्तर की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स और कुछ नहीं। फिरोज
Yes, sir. حسن ہمیں کل سے جوائن کر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو صحیح سے کام سکھاؤ ماشاءاللہ سر یہ تو بہت خوشی کی بات ہے انشاءاللہ میں سر حسن کو بھرپور اسسٹ کروں گا اسی بہانے آپ کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کا بھی موقع مل جائے گا حسن فیروز ہمارا سب سے پرانا آدمی ہے اس کے ساتھ کام کرو گے تو سیکھنے کا موقع ملے گا فیروز تم جا سکتے ہو تھینک یو سر سر کچھ لینا پسند کریں گے چائے تھینک یو ڈیڈ میں ابھی آفس نہیں جوائن کرنا چاہتا کیوں کیا مسئلہ ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہی تو مسئلہ ہے آپ نے سنا فیروز صاحب نے کیا کہا ابھی میں حسن سر کو اسسٹ کروں گا آپ لوگوں کی خدمت کروں گا یہاں پہ کوئی مجھے میری غلطی بتانے کی ہمت ہی نہیں کرے گا کیسے سیکھوں گا میں کام لوگوں کی جھڑکیاں سننا چاہتے ہو کبھی سنی نہیں نا اسی لیے اس میں ایڈونچر نظر آ رہا ہے تمہیں ایڈونچر نظر آ رہا ہے لیکن اپنے دم پر کچھ کرنے میں جیسے آپ نے کیا ساری عمر بھی لگا دو گے تو یہ سب کچھ نہیں بنا سکتے جو بناؤں گا خود بناؤں گا دیکھیں ڈیڈ میں فیصلہ کر چکا ہوں میں ابھی نہیں جوائن کر سکتا یہ آفس فیصلہ بدل لو ورنہ میرے پاس اور بھی طریقے ہیں سمجھانے کے میں آپ ہی کا خون ہوں ڈیڈ فیصلہ نہیں بدلوں گا آپ اپنے فیصلے پر غور کیجیے گا کیا ہوا اٹھ تو چلی ذرا ذرا چھوڑ اچھا اچھا ٹھہرو جلدی ایک منٹ کیا ہوا آئے ذرا جلدی سے آئے جلدی سے جلدی آئے جلدی ہمیں اپنی ذات کے لیے قانون بنانے ہیں اپنے ارد گرد ایک ایسی دیوار بنانی ہے کہ کوئی برائی کوئی نیگیٹیوٹی کبھی داخل نہ ہو سکے اور اگر اس کے بعد بھی کوئی ہم پر بری نظر رکھے تو میری پیاری بہنوں سنو ہم ان کی مثال بنا دیں گے دو چار لوگوں کو مار پٹتے ہوئے جب ویڈیو وائرل ہوگی تو سب خود بخود نہیں مار پیٹ کی بات نہیں کرنی چاہیے تو سنو امی ابا امی بابا ایسے کسی کے کمرے میں جھانکتے ہیں بیڈ مینرز بوتھ آف یو اتنا اچھا شو چل رہا تھا مجھ سے رہا نہیں کیا ماشاء اللہ بیٹا اس اعتماد کے ساتھ تم کچھ بھی بولو واہ واہ ہو جائے گی کہاں یار بابا ابھی تک تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کیا بولوں گی کیا لکھوں ارے بیٹا فکر نہیں کرو تمہاری نیت اچھی ہے بے خوف ہو کر بولنا وہ تمہارے الفاظ میں مفہوم ڈال دے گا بیٹا انشاءاللہ ویسے انایا میں تجھے مشورہ دوں بیٹا سیاست دان بن جا اتنی اچھی تقریر کرتی ہے امی آپ کو لگتا ہے سیاست دان سے تقریریں کرتے ہیں دن رات محنت کرنی پڑتی ہے اچھا میرا خیال تھا سیاستدان صرف تقریریں کرتے ہیں اور کام جو ہے وہ محکمے کرتے ہیں آپ کو اپنی سپیچ پڑھاؤ یہ تم نے خود لکھی ہے میرا بیٹا پڑھے نا پوری ہمیں اپنی ذات کے قانون بنانے اپنے ارد گرد ایک ایسی دیوار بنانی ہے السلام علیکم
वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, खुश रहो। कहाँ थे बेटा तुम? तुम्हें कॉल कर रही थी, तुमने फोन भी नहीं उठाया। कॉल कर रही थी, दोस्तों के साथ थी। पहले मूवी पे गए, फिर कॉन्सर्ट पे गए, ध्यान नहीं दिया फोन पे। अली बहुत परेशान हो रहा था, फोन आया था उसका। कॉल कर लो तुम उसे। हर वक्त परेशान ही तो रहता है, उसे परेशान ही रहने दे। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी शादी होने वाली है उससे। हाँ पर अभी शादी हुई तो नहीं ना, अभी तो ये भी नहीं पता कि शादी होगी भी कि नहीं होगी। हमें तुमने ही मिलवाया था उससे, तो अभी मैं ही कह रही हूँ ना, हो सकता है मेरा फैसला बदल जाए। तुमने मजाक समझा हुआ है? अभी एक महीने पहले तक तुम हर वक्त अली की तारीफें कर रही थी, अब क्या हो गया? मामा प्लीज़, थकी हुई आई हूँ और जो कह रही हूँ आप खुद समझ जाएं। एक्सप्लेन नहीं कर सकती हर बात मैं आपको। मेरा लैपटॉप किसने तोड़ा? वो मेरे ख्याल से वो कौसर से सफाई करते में गिर गया था। मुझे नहीं लगता कौसर से टूटा। डैड के पैसों का था, उसे बहुत शौक है ना इंडिपेंडेंट होने का, खरीद लो अपने पैसों से। मुझे लगा था इस नए सफर में तुम मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करोगी। हमेशा सपोर्ट किया है तुम्हें, पर तुम्हें ही हमारी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम मुझे ऐसे रोक सकती हो ना तो रोक लेना। मीराल, समझती नहीं हो तुम, तुम्हारी ये जिद जो है ना बागी बना देगी उसे। सुन रहे हैं आप? फिर आप मुझे कहती है कि मैं नानी से लड़ा नहीं करूं, मैं बागी बना रही हूं उसे। जितनी फिक्र मुझे उसकी है ना उतनी आप लोगों को भी नहीं है। खैर पता चल गई मुझे उसकी परेशानी की वजह, ज़्यादा दिन ऐसे नहीं रहेगा। क्या वजह मुझे भी बताओ। पहले मैं तो मिल लूँ वजह से, कल बताऊँगी। यार अनाया, मुझे तो लगता था 20-25 से ज़्यादा आवाम नहीं आएगी, यहाँ तो मजमा लगा हुआ है। बस मेरी बहन आगे का काम तुम्हारा है, मुझे तो स्टेज देखकर वैसे ही घबराहट हो रही है देखो। मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं हो रही, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ। बाबा ने कहा था अगर नियत साफ हो तो लफ्जों में मफहूम खुद ब खुद आ जाता है। यस। शुरू करें। ओए तू यहाँ बैठा हुआ है भाई, वहाँ सेमिनार शुरू हो चुका है। मुझे नहीं जाना। ऐसे कैसे नहीं जाना, अनाया स्पीकर तेरा भाई ऐसा सवाल सोचकर आया कि आग लगा देगा। तू सिर्फ चुप करके बैठ के तमाशा देखी बस। मैं बैठा हूँ यार अभी, तू चल लो, टाइम नहीं है, चल चलाता हूँ। ओके यार मिलते हैं। लिख ले जो भी लिखना है जहन के कोरे कागज पर जो भी लिख सोच के लिख, पढ़ना है कल खुद को ही। गर सोच मुँह काला कर बैठी बर्बाद तुझे कर जाएगी, गर सोच ने तेवर बदले तो तेरी तू को खा जाएगी। तो लिख ले जो भी लिखना है जहन के कोरे कागज पर जो भी लिख सोच के लिख, पढ़ना है कल खुद को ही। हर शख्स यहाँ इस दुनिया में चलती फिरती एक दुनिया है, इस दुनिया का कानून तो है जो लिखना है इस कागज पर, कानून है तेरी दुनिया का तो लिख ले जो भी लिखना है जहन के कोरे कागज पर। हमें अपनी जात के कानून बनाने हैं। हमारे मुआशरे की औरत आज किसी हद तक आज़ाद है, लेकिन क्या ये वही आज़ादी है जिसके लिए हम कई सालों से मेहनत कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर क्यों आज भी हुस्न को जहानत पर तरजीह दी जाती है? क्यों आज भी कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, यूनिवर्सिटीज में औरतों को मर्दों के घटिया जुमलों
और घटिया नजरों को बर्दाश्त करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। क्या हमने ये आजादी इसलिए हासिल की थी कि कोई भी हमें 50,000 रुपए की तनख्वाह पर रखे और हम पर हुकूमत करे? बिल्कुल नहीं। अफसोस इस बात का है कि हम में से कई लड़कियां वक्ती फायदे के लिए कॉम्प्रोमाइज का रास्ता अख्तियार करती हैं, और कई ऐसी हैं जो हरासमेंट का शिकार है लेकिन उनकी मजबूरियां उन्हें बोलने नहीं देती। किसी को माँ बाप का इलाज करवाना है तो किसी को घर के बिल्स भरने हैं। मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करें जिसमें हमारे मुआशरे की औरत हरासमेंट जैसी लानत से महफूज हो। हेलो, मेरा एक सवाल है आपसे। जी कहिए। हमने औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी, नतीजा आपके सामने। दुनिया में 80% एक्सीडेंट्स औरतों की वजह से होते हैं, इस पर क्या कहेंगी आप? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त देने वाले आप होते कौन हैं? कोई जवाब है आपके पास? और दूसरी बात ये कि चले मान लिया कि ज्यादातर एक्सीडेंट्स औरतों से होते हैं, लेकिन उसमें भी आप सबका ही कसूर है। क्या है? औरत बेचारी सड़क पर गाड़ी लेकर निकलती है और आप सब एक्साइटेड हो जाते हैं। औरत राइट मिरर में देखती है तो चार आदमी नजरें टिकाए बैठे होते हैं, लेफ्ट मिरर में देखती है तो वहां भी जरूरतमंद नजरों का इतवार बाजार लगा होता है, बैक व्यू में देखती है तो लड़के डिपर देते हैं। ऐसा ही है ना? ऐसे तो कोई आपके साथ करे तो आप भी घबरा कर घर पे बैठ जाएंगे भाई साहब। प्रिसाइजली मेरे कहने का यही मतलब है कि हम एक ऐसा मुआशरा बनाएं जो बुरी नजर और बुरी सोच से पाक हो, ताकि लोग बेटियों की पैदाइश पर अफसरदा ना हो बल्कि खुशियां मना सकें। जिंदगी